और इसीलिए शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भी सबकी नजर है। जदयू के भविष्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी अटकलें तेज हैं, तो वहीं भाजपा के हमले भी तेज हैं। दिल्ली में जदयू की बैठक को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिल्ली में हैं। जदयू के भविष्य को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि काफी समय से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। यहां तक कि जंतर मंतर पर लगाए गए जदयू के तमाम पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों को निराधार बताते हुए इसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नियमित बैठक बताया है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन यानी ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जदयू एक रहेगी। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। अगर अभी भी अगर उन्होंने तेजस्वी को मान लिया, एक रास्ता, दूसरा उसके साथ जदयू को विलय करा दिया, यही दो रास्ता बचा है। अगर ये दोनों नहीं माने तो गर्दनिया पासपोर्ट। अब शुक्रवार को होने वाली जदयू की बैठक से ही साफ हो पाएगा कि सब कुछ नॉर्मल है का दावा कितना सही है। कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।